हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 6। जिन स्टूडेंट्स ने 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जो पाँच पार्ट मैंने बनाए थे उसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी करवा दी हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ों से जो भी आपके क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। क्लियर। अब यहां से हमारे पास एक नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है और इस नए पार्ट से हमारे पास क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी। क्लियर है, तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और देखिए जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना आए। क्लियर है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए आप ब्रांचेस, हम पढ़ेंगे ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो मेरे ना थोड़ा सा कोल्ड लगा हुआ है तो अगर आवाज ऐसी वैसी आए तो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस की अगर देखें तो हमारे पास क्या होती है, पी ब्रांच होती है, क्यू ब्रांच होती है और हमारे पास आर ब्रांच होती है। ठीक है, तीन टाइप की ब्रांचेस होती है। अगर इसके सिलेक्शन रूल की बात करूं कि पी में, क्यू में, आर में क्या कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम पी ब्रांच की पोजीशंस निकालें, क्यू ब्रांच के निकालें, आर ब्रांच के निकालें, उनके एनर्जीज निकालें, ठीक है, उनकी एनर्जी फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या होगा, सिलेक्शन रूल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन रूल बहुत ज़रूरी है, इसका याद रखना। ठीक है, तो डेल्टा वी है हमारे पास क्या रहेगा, प्लस माइनस वन, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर डेल्टा जे की बात करें तो यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे डेल्टा जे जीरो आएगा, यहाँ पे डेल्टा जे हमारे पास प्लस वन आएगा। ठीक है, समझ में आया, पी ब्रांच, क्यू ब्रांच, आर ब्रांच। अगर हम बात करें यहाँ पे पोजीशन ऑफ पी ब्रांचेस, क्यू ब्रांचेस, आर ब्रांचेस, ठीक है, अगर हमें पोजीशंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं बनाती हूँ यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, जे माइनस वन, ये जे प्लस वन। ठीक है, एक ब्रांच और है यहाँ पे है जे माइनस वन, जे प्लस वन, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वेट इसको थोड़ा सा कलर बनाते हैं, ये हो गया v इज इक्वल टू जीरो के लिए, ये हो गया v इज इक्वल्स टू वन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो j माइनस वन है, अब हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, j माइनस वन, j से j और j से j प्लस वन तक, तीन ट्रांजिशंस होगी। देखो ये जो ट्रांजिशन है ये होगी आपकी p ब्रांच के लिए, ठीक है, और जो आपकी ये ट्रांजिशन है ये वाली ये होगी फॉर क्यू ब्रांच। क्लियर, और ये जो ट्रांजिशन है ये होगी फॉर आर ब्रांच। क्लियर, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें वो होगा हमारे पास 2BJ का, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो वो होगा 2BJ प्लस वन का। ठीक है, 2B मैं थोड़ा सा मोटा लिख देती हूँ क्योंकि ये मार्कर ब्रीक है, 2BJ प्लस वन। ठीक है, 2BJ प्लस वन, यहाँ पे 2BJ, क्लियर हुआ आपको? अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्यू ब्रांच है ना ये कहाँ से कहाँ जा रही है, जे से जे तक, यहाँ पे क्या है डेल्टा जे जीरो, यानी इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, जे से जे जा रही है ये, तो इसकी जो एनर्जी होगी हमारे पास क्यू ब्रांच की, जो क्यू ब्रांच है इसकी जो डेल्टा ई क्यू, क्यू ब्रांच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स ई। ठीक है, वन माइनस टू एक्स ई। अब हमने क्यू ब्रांच की तो निकालनी सीख ली कि कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगर हम बात करें डेल्टा सॉरी जे की बात करें तो क्या है जीरो ही है, क्योंकि ट्रांजिशन जे से जे में ही हो रही है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, तो इसके जो एनर्जी है हमारे पास क्यू ब्रांच के लिए ट्रांजिशन एनर्जी वो क्या आएगी, ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स ई। ऐसे ही अगर हम पी ब्रांच के लिए और आर ब्रांच के लिए अगर हम ट्रांजिशन एनर्जी निकालें तो वो कैसे होगी, तो वो देखिए आप यहाँ पे अगर हम डेल्टा ई निकालें फॉर, यहाँ पे देखिए पी ब्रांच के लिए
यहाँ पे क्यू ब्रांच के लिए और यहाँ पे आर ब्रांच के लिए। एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरा में कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी अगर हम ट्रांजिशन एनर्जी की बात करें तो ये क्या आएगा, डेल्टा ई फोर पी डेल्टा ई क्यू माइनस टू बी जे। देखो ये क्यों लिखा मैंने, इसको समझो। डेल्टा ई पी मतलब मुझे क्या निकालनी है, पी ब्रांच की ट्रांजिशन एनर्जी हमें निकालनी है यहाँ पे। तो देखो बच्चे, हमारे पास ये एनर्जी हमें पता है, ये वाली जे से जे तक ये वाली पता है, ये किसके लिए है हमारे पास, क्यू ब्रांच के लिए। हमें निकालनी है पी ब्रांच के लिए, तो क्यू में से अगर ये टू बी जे माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इस पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दिया जाए तो ये चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास ट्रांजिशन किसके लिए, पी ब्रांच के लिए। तो डेल्टा ई क्यू में टू बी जे मैंने माइनस किया है। ठीक है, अगर क्यू के लिए देखें तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू जीरो ही है, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो एनर्जी है इसकी, वो डेल्टा ई क्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा ई क्यू ओमेगा ई वन माइनस टू ऑफ एक्स ई। ठीक है, इसके लिए तो हमारे पास यही निकलेगा। अगर आर ब्रांच की बात करें, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये पूरी ट्रांजिशन एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास ये क्यू की तो है लेकिन हमें इस पूरे की चाहिए, इस पार्ट की नहीं है, इसकी है, इस पार्ट तक यहाँ से लेके यहाँ तक है लेकिन इस पार्ट की नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू बी जे प्लस वन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो आर ब्रांच की आ जाएगी। तो डेल्टा ई आर डेल्टा ई क्यू प्लस ऑफ टू बी जे प्लस वन। ठीक है, बस ये आ गया। अब अगर आप डेल्टा ई क्यू की वैल्यू पुट करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो डेल्टा ई पी अपॉन ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स ई, वन माइनस टू ऑफ एक्स ई, वन माइनस टू बी जे, टू बी जे। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअली इसके जो ट्रांजिशन एनर्जी है पी ब्रांच के लिए वो आ गई। क्यू के लिए निकाली हुई है, इसके लिए भी आप पुट कर सकते हैं, तो आपकी डेल्टा ई एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ब्रांचेस देखते हैं। देखो जो हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जैसे हमने ये ऐसे लिखी है, इस तरीके से ब्रांचेस लिखी हैं। अगर हम इस तरीके से ब्रांचेस लिखें, क्यू ब्रांच, आर ब्रांच, पी ब्रांच, तो उन ब्रांचेस में हमारे पास डिफरेंस जो बैंड्स होते हैं उनमें हमारे पास डिफरेंस कितना होगा, कौन सी आर ब्रांच, पी ब्रांच कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, और उसमें खुद में कितना इक्वल डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ तक यहाँ पे एक बार मैंने करवा दिया, क्योंकि आपको ट्रांजिशन एनर्जी पूछ सकते हैं पी क्यू आर के लिए, तो वो जो आपका फॉर्मूला है ये आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ याद रख लेना, बाकी ये करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो बैंड्स हैं वो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको मैं रब कर रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हो गया। तो देखिए इसमें इंक ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो किस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, ये है हमारे पास वेट, इसका ये हम मानते हैं सेंटर, ये हमारे पास है क्यू, जिसको हम बोलते हैं बैंड का क्या है, सेंटर, बैंड सेंटर। ठीक है, ये सेंटर आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये है आर नॉट, दिस इज आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स। ठीक है, ये चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर।
ठीक है, पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें, जो आर नोट है, अब देखो एक और एक चीज यहाँ पे क्यू सेंटर है, ये जो आर ब्रांचेस है वो हमारे पास स्टार्ट होगी आर नोट से, और जो पी ब्रांचेस है वो स्टार्ट होगी हमारे पास पी वन से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो पी ब्रांच है वो वन से स्टार्ट होती है, और क्यों जो आर ब्रांचेस है वो जीरो से स्टार्ट होती है, आर नोट से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, टू बी का, इसमें भी टू बी का, इनमें भी आपस में जो डिफरेंस है इसमें क्या रहता है, टू बी का, ठीक है। आपस में डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा इसका, टू बी का, समझ में आ रही है। लेकिन लेकिन जो पी वन है, जो पी ब्रांच पहली पी ब्रांच है और जो पहली आर ब्रांच है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा हमारे पास, फोर बी का, ठीक है। इनमें आपस में डिफरेंस 2B का रहता है, लेकिन जो हमारे पास पहली P ब्रांच है और पहली जो R ब्रांच है, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है हमारे पास, 4B का, ठीक है। ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है, वो ऑप्शंस बना के दे देते हैं 2B का, कि अगर 2B है तो यहाँ पे भी 2B हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि ये 2B है क्योंकि इसमें डिस्टेंस अगर डबल है तो यहाँ पे 4B भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, 6B भी मिलेगा, 12B भी मिलेगा, अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको जो टिक है वो 4B पे करके आना है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आपका क्या रहता है, 4B का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे P ब्रांचेस होती है और R ब्रांचेस होती है वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। क्या है, मैं लिखवा देती हूँ जो लाइंस आपको लिखनी है, जो P ब्रांच है एंड R ब्रांच है आर इक्वली स्पेस्ड, क्या है ये, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। और जो किसके साथ इक्वली स्पेस्ड है, टू बी के साथ, टू बी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें पी ब्रांच एंड आर ब्रांच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, किससे स्पेस्ड है, टू बी से, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, CO2 एंड O2, ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास, इनका जो बैंड बनता है, इनके जो बैंड्स बनते हैं, इनके पी ब्रांच क्यू ब्रांच आर ब्रांच के जो बैंड्स बनते हैं, इनमें जो आपके पास 2B A 2B 2B का डिफरेंस आया है, ठीक है, सिर्फ इसमें छोड़ के CO2 और O2 मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सब में आपके पास जो डिफरेंस है, सक्सेसिव जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा 2B का रहेगा। अब इनमें क्यों नहीं रहता, क्या इनमें सक्सेसिव डिफरेंस आता है, वो हम आगे करते जाएंगे विद टाइम, ठीक है, बाद में करवाऊंगी आपको, लेकिन पहले आप ये चीज़ें सीखिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास बनेगा वो ये है कि जो पहली पी ब्रांच है और पहली आर ब्रांच है, इनमें क्या रहता है हमारे पास, जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 4B का, ठीक है। फर्स्ट पी ब्रांच एंड फर्स्ट आर ब्रांच आर सेपरेटेड बाय फोर बी सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एक्सेप्ट CO2 एंड O2, CO2 एंड O2 के O2 को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, इनमें जो फर्स्ट पी ब्रांच और फर्स्ट आर ब्रांच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 4B का, ठीक है। अगर हमें क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ Q, यानी जो हमारे पास बैंड सेंटर है, इन बैंड्स का जो सेंटर है, इसका अगर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो देखो द पोजीशन ऑफ थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ क्यू बैंड आर आल्सो कॉल्ड बैंड सेंटर, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। जो आप कैसे निकालोगे, डेल्टा ई क्यू, डेल्टा आर नॉट, डेल्टा पी वन,
अपॉन टू। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा जो फॉर्मूला है वही डरावना लगता है इसका देखने में, बट बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जब मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाऊंगी तब मैं आपको निकलवाऊंगी कैसे आपको करना है। ठीक है, डेल्टा आर नोट, सॉरी डेल्टा ई ऑफ आर नोट, डेल्टा ई ऑफ पी वन अपॉन टू, बस कर देना आपका आपका जो ये बैंड सेंटर है वो आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये हो गया अ फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपको कैसे करना है, देखो अब देखो जो मोस्ट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हमारे पास O2 हो गया, ठीक है, इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आपकी क्यू ब्रांच जो होगी वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जो क्यू ब्रांच है आपकी वो क्या होगी, एब्सेंट, क्या रहती है, एब्सेंट। क्यों, किसके कारण, क्योंकि इनमें सिर्फ क्या है, पैरेलल वाइब्रेशंस होती है। क्यों, क्योंकि इनमें सिर्फ पैरेलल वाइब्रेशन होती है, पैरेलल वाइब्रेशन होने के कारण इसमें हमारे पास क्यू ब्रांच है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, जिसके कारण जो इसका सिलेक्शन रूल होगा, जो इसका सिलेक्शन रूल होगा वो क्या आएगा, डेल्टा वी प्लस माइनस वन और डेल्टा जे प्लस माइनस वन, इसमें जीरो, जो डेल्टा जे है वो जीरो नहीं आएगा, डेल्टा वी भी प्लस माइनस वन आएगा और डेल्टा जे भी प्लस माइनस वन आएगा। ठीक है, अभी हमने बात करी मोस्ट ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उसमें क्यू ब्रांच एब्सेंट रहती है क्योंकि उसमें सिर्फ पैरेलल वाइब्रेशन रहती है, जिसके कारण हमारे पास ये सिलेक्शन रूल निकलेगा। लेकिन हम बात करें एनओ की, एनओ क्या है, हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इस एनओ डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्यू ब्रांच हमारे पास प्रेजेंट रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम हमारे पास प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें क्यू ब्रांच भी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो जिसके कारण जो इसका बैंड निकलता है वो किस तरीके से आएगा, तो वो किस तरीके से आएगा, ये है पी ब्रांच का, ये आपके पास क्यू ब्रांच, ये आपकी पी ब्रांच, ये पी ब्रांच क्यू, ये आर ब्रांच, एंगुलर मोमेंटम होने के कारण इसमें जो हमारे पास क्यू ब्रांच है वो प्रेजेंट हो जाती है डायटोमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, सिर्फ एनओ में, ये भी आपके पास एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपके पूछ सकते हैं कि डायटोमिक, एक हमने पॉइंट अभी पढ़ा जैसे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में मोस्ट ऑफ क्यू ब्रांचेस हमारी एब्सेंट रहती है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू पैरेलल वाइब्रेशंस। ठीक है, ये आप टिक करके आओगे अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन एनओ को छोड़ के, ठीक है, क्यों छोड़ के, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हमारे पास ये चीज निकलती है। अगर हम बात करें डेल्टा जे मैक्सिमम की फॉर क्यू पी एंड आर, ये हम निकालेंगे क्योंकि यहां से भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैं रब कर देती हूं। ये आपका पी फाइव पी फोर पी थ्री, ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा जे मैक्सिमम निकलता है फॉर आर ब्रांच के लिए, जो आपके पास जे मैक्सिमम निकलेगा, जे मैक्सिमम फॉर आर ब्रांच वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ के टी अपॉन टू बी एच सी माइनस हाफ। ठीक है, ये निकलेगा फॉर आर ब्रांच। अगर हम पी ब्रांच के लिए जे मैक्सिमम निकालें, जे मैक्सिमम फॉर पी, तो ये क्या आएगा, जे मैक्सिमम फॉर आर प्लस वन। अभी देखो इसमें हमेशा जो P का निकालना है ना, P का आप कुछ भी निकालोगे तो इसमें हमेशा एक ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि ये P1 से स्टार्ट हो रहा है, ये R नोट से ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो अगर ये R का है तो इसमें हमेशा एक ऐड होके निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो R नोट से स्टार्ट है, ये P1 से स्टार्ट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो भी आपके पास जो R का रिजल्ट आता है उसमें अगर आप एक ऐड कर दोगे तो वो P का आ जाएगा। ऐसे जे मैक्सिमम अगर हम P का निकाल रहे हैं तो जो ये मैक्सिमम जो R का आएगा उसमें एक ऐड कर देना, वो आपका रिजल्ट पी का आ जाएगा। ठीक है, तो जे मैक्सिमम फॉर अंडर रूट ऑफ के टी टू बी एच सी प्लस ऑफ हाफ। ठीक है, जे मैक्सिमम के टी टू बी एच सी प्लस ऑफ हाफ, समझ में आ गया। ये है जे मैक्सिमम फॉर पी ब्रांच, जे मैक्सिमम फॉर आर ब्रांच, क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
देखिए अब हम सीखेंगे कि मोस्ट इंटेंस लाइन फ्रॉम बैंक सेंटर आइदर फ्रॉम पी ब्रांच और आइदर फ्रॉम आर ब्रांच वो क्या होगी। ठीक है कि हम जो हमारे पास ये क्या है बैंक सेंटर है, इससे अगर पी ब्रांच की तरफ आएंगे तो इसमें से जो हमारे पास बैंड्स आए हैं इन बैंड्स में से मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके किसकी है, या फिर अगर हम आर ब्रांच की तरफ चले तो इसमें से सबसे ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी किसकी आएगी, तो वो हम चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसको मैं रब करती हूँ तो आप लिखिए यहाँ पे एम फॉर मैक्सिमम, क्योंकि हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो आपका जे मैक्सिमम आएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे दूँ फिर बताती हूँ। के टी अपॉन टू बी एच सी प्लस ऑफ हाफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी मैं पीछे बोल के गई हूँ कि ये जो आर ब्रांच है वो हमारे पास आर नोड से स्टार्ट होती है, पी ब्रांच पी वन से स्टार्ट होती है, जो रिजल्ट आपका आर का आता है उसमें एक ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन वो जे मैक्सिमम के केस में था। अब मैं निकाल रही हूँ आपकी मोस्ट इंटेंस लाइन। अब आप देखेंगे इसमें कि जो मोस्ट इंटेंस लाइन पी में क्या आ रही है, पी फोर की, ठीक है। लेकिन जो अगर हम बात करें आर वाले की वो क्या आ रही है, आर थ्री की। इसकी पी फोर है, इसकी आर थ्री, यानी इसकी फोर है और इसकी क्या है, थ्री। समझ रहे हो, अगर इसमें मैं एक ऐड कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, फोर। समझ गया, ये भी फोर बन गया, ये भी फोर बन गया, यानी जो पी का रिजल्ट आएगा उसमें एक ऐड कर दूँ, प्लस वन कर दूँ, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले में प्लस वन कर दूँ मैं, समझ रहे हो, इस फॉर्मूले में प्लस वन कर दूँ तो वो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, आर का, ठीक है। जो भी ये रिजल्ट आया है इसमें प्लस वन कर देंगे तो वो आर का बन जाएगा, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन दिख रही है हमें, मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन क्या है, आर थ्री। बट इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है ना। वो फाइंड आउट किससे करेंगे हम, इन फॉर्मूले से, ठीक है। इन फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और रिजल्ट हमारा फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है इतनी बात। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेंस लाइन है उसकी क्या इंटेंसिटी आएगी, तो आप इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, इसका आप इसको उतार लीजिए, हो गया। तो अब देखिए आगे, द पोजीशन ऑफ, लिखिए द पोजीशन ऑफ मोस्ट इंटेंस आर लाइन, ठीक है। आर लाइन में मोस्ट इंटेंस लाइन कॉम्पोजिशन हमें क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ मोस्ट इंटेंस आर लाइन, उसकी पोजीशन आप फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा ई मैक्सिमम किसके लिए, आर के लिए, तो क्या निकाल लेंगे, डेल्टा ई क्यू प्लस टू बी। मैंने निकलवाया था ना पीछे, अगर डेल्टा ई आर के लिए निकालनी तो डेल्टा ई क्यू प्लस टू बी जे मैक्सिमम प्लस वन, ये किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ये जे मैक्सिमम आर के निकलेगा, ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। डेल्टा ई क्यू प्लस टू बी एम मैक्सिमम, देखो ये एक दूसरे से जो ये फॉर्मूले हैं ना ड्राइव हो रखे हैं और कुछ भी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मूले आपको रटने हैं। देखो जैसे हमने पीछे निकाला था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किस लाइन की है, हमें पोजीशन नहीं निकालनी थी, हमें उस लाइन की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो वो उसके लिए मैंने एम मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको बताया था, जो था हमारे पास के टी टू बी एच सी प्लस ऑफ हाफ, ठीक है, ये था। तो ये तो चीज़ हमने निकाली, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है द पोजीशन ऑफ मोस्ट इंटेंस लाइन। अब हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपका ये रिजल्ट आएगा, तो आर लाइन के लिए निकाल रहे हैं, तो आर के लिए हमने रिजल्ट पीछे ही देखा था, डेल्टा ई क्यू टू बी जे मैक्सिमम प्लस वन, ठीक है। जे अब देखो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, अगर टू सॉरी जे मैक्सिमम आर प्लस वन, अगर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एम मैक्सिमम। अगर आपको ये चीज़ दे रखी है फॉर्मूले में, ठीक है, अगर आपको ये चीज गिवन है, बी गिवन है, ये गिवन, तो आप आराम से सब कुछ निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज नहीं गिवन तो इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया कि आप कैसे निकालोगे, तो इसमें पुट करके उसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख के ये देकर दिया होगा, ये दिया होगा, तो आप ये आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात, ये थी द पोजिशन ऑफ मोस्ट इंटेंस आर लाइन। अब हम सीखेंगे द पोजिशन ऑफ मोस्ट इंटेंस पी लाइन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ई ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ई क्यू
माइनस टू बी जे मैक्सिमम, माइनस ही करा था हमने, ठीक है, माइनस ही करा था, उसमें प्लस करा, ठीक है, इसमें माइनस करा तो डेल्टा ई क्यू, सॉरी हाँ, मैक्सिमम ये किसके लिए, पी के लिए, ठीक है, डेल्टा ई क्यू माइनस टू ऑफ बी एम ऑफ मैक्सिमम, एम ऑफ मैक्सिमम, तो आपका ये भी रिजल्ट क्लियर, ये भी है, ये वाला भी रिजल्ट है। जे मैक्सिमम की जगह पे आप एम मैक्सिमम भी आपको दे सकते हैं, जे मैक्सिमम पूछे तो जे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देना, एम मैक्सिमम पूछे तो एम मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ये चीज़ आपको ना न्यूमेरिकल से क्लियर होगी। एक बार आप फॉर्मूलेज देख लीजिए अच्छे से कि कैसे मैं आपको फॉर्मूले ड्राइव करवा रही हूँ, वो देख लीजिए, फिर हम हमारे पास क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, क्लियर। डेल्टा ई मैक्सिमम, डेल्टा ई क्यू माइनस टू बी एम मैक्सिमम, क्लियर हुआ। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस वन आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्लस भी आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास माइनस भी आ सकता है, लेकिन किसके लिए प्लस आएगा और किसके लिए हमारे पास माइनस आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है प्लस फोर आर लाइन एंड माइनस फोर पी लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव फोर पी लाइन है, पॉजिटिव फोर आर लाइन, तो यहाँ पे प्लस माइनस वन कर सकते हो आप, प्लस फोर आर लाइन, नेगेटिव फोर पी लाइन, क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया। ये फॉर्मूलेस तो मैंने करवा दिया, और फॉर्मूलेस हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे हमारा, जो भी हमने फॉर्मूले सीखे हैं यहाँ पे उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतारिए, आगे हम करते हैं क्या फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा। तो अभी जो फॉर्मूला जो हमने डायग्राम बनाया था बैंड्स का, तो मैं दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पे ये क्यू थी, ये आर नोट, आर वन, आर टू आर थ्री, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, ठीक है, ये आपकी दोनों मैक्सिमम थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा का जो डिफरेंस है वो क्या होता है आपका, डेल्टा वी मैक्सिमम। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा वो निकाल रहे हैं, ये दोनों चीज़ निकाल रहे हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा वी मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ई मैक्सिमम फॉर आर, आर के लिए डेल्टा ई मैक्सिमम, डेल्टा ई मैक्सिमम फॉर पी, अगर इन दोनों का माइनस कर दे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका आता है फॉर बी एम मैक्सिमम, फोर बी एम मैक्सिमम, एम मैक्सिमम का मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो अगर आपको एम मैक्सिमम सीधा देते तो पुट कर लेना, नहीं देते ये चीज़ दी जाती है तो आप इसमें पुट करके आप सीधा निकाल सकते हैं डेल्टा वी मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको पूछे द पोजीशन ऑफ एमथ लाइन, कोई भी आपको एमथ लाइन इन आर ब्रांच, कोई भी लाइन पूछ ले, आर वन निकालो, आर टू निकालो, आर थ्री निकालो, कुछ भी पूछ ले, तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो रहेगा डेल्टा ई नोट प्लस टू बी एम आर, ठीक है। जो भी मान लो लाइन पूछी आपको थर्ड लाइन ऑफ आर, थर्ड लाइन, तो यहाँ पे थ्री पुट कर देना इस तरीके से, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर पी ब्रांच के लिए पूछे तो आपका यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे माइनस आएगा। तो जो भी लाइन के लिए पूछे वो लाइन यहाँ पे आपको पुट कर देनी है, वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास थर्ड फॉर्म, वन टू थ्री फोर्थ फॉर्मूला, द एनर्जी सेपरेशन ऑफ एम आर एथ लाइन एंड पी एम पी एथ लाइन, जो उसका जो एनर्जी डिफरेंस आता है, बस क्या आएगा, ये देखो लाइन्स के लिए निकाली है हमने, स्पेसिफिक लाइन फॉर स्पेसिफिक लाइन के लिए हमने निकाली, इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी सेपरेशन आ जाएगी, तो जिसको हम निकालते हैं डेल्टा वी से डेल्टा ऑफ एम आर माइनस डेल्टा ऑफ ई ऑफ एम पी, जब आप पुट करोगे ई क्यू टू बी एम आर डेल्टा ई क्यू माइनस टू बी एम पी, ये कैंसल आउट कर देना, डेल्टा वी टू बी एम आर एम पी, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। द एनर्जी सेपरेशन ऑफ एम एथ आर लाइन एंड पी एम एथ पी एल लाइन, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है,
तो यहाँ पे हमारे पास सारे फॉर्मूलेस खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन पे हम ये फॉर्मूलेस अप्लाई करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको करना है। क्लियर हो गया? तो इसको आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे। पहले हम इस वीडियो में सिर्फ 3 ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी भी मैं करवा देती लेकिन कोल्ड ज़्यादा हो रहा है मेरे, तो बोला नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन ये मैं 3 करवा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले द पोजिशन ऑफ फर्स्ट आर ब्रांच ऑफ एचसीएल मॉलिक्यूल अपीयर्स एट 2865.1 सेंटीमीटर इनवर्स एंड पी ब्रांच अपीयर्स एट दिस इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 300 केल्विन देन कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमें क्या है, जो बैंड हमने बनाए थे, ठीक है, पहले वो बनाना पड़ेगा। क्या कुछ गिवन है सबसे पहले वो लिख दीजिए, ठीक है, उतार दीजिए एक बारी। उसके बाद आपको धीरे धीरे कहानी समझ में आने लगेगी हमें कैलकुलेट एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो ये हमने बनाया था क्यू सेंटर, ये आर नॉट था, ये हमारा आर वन था, ये हमारे पास आर टू था, ये हमारे पास आर थ्री था, आर फोर, ठीक है, अब एंड सो ऑन। यहाँ पे पी वन, पी टू, पी थ्री, पी थ्री, ठीक है, पी फोर, पी फाइव, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट आर ब्रांच, पहली आर ब्रांच जो है ये वाली, इसकी जो पोजीशन हमें दी हुई है 2865.1 सेंटीमीटर इनवर्स, और फर्स्ट पी ब्रांच जो हमें दी है ये 2906.1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर 300 केल्विन है, कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट, ये निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सेकंड फिर से रोटेशनल कांस्टेंट निकालना लेकिन गीगाहर्ट्ज में, थर्ड है पोजीशन ऑफ बैंड सेंटर, बैंड सेंटर की आप पोजीशन कैसे निकालोगे वो निकालेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले रोटेशन कांस्टेंट यानी बी निकालना है, तो उसके लिए देखो, हाँ एक चीज़ ये क्या है आपका डिफरेंस 4b का है, ये डिफरेंस आपका 2b है, 2b सारा का ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 4b, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो हमें फर्स्ट ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे, पहला पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो 4b इज इक्वल्स टू हमारे पास 2865.1 माइनस 2906.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब इसमें कैलकुलेट करा तो इसका जो भी आपका बी आएगा वो आएगा 10.25 सेंटीमीटर इनवर्स। बी तो आ गया लेकिन आया किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में, हमें चाहिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस इसकी यूनिट कन्वर्जन है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन आप जो आपका रोटेशन कांस्टेंट है वो आप निकाल लोगे, नहीं आती है तो यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, अब इसको चेंज करना है आपको, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको HC के साथ, ठीक है। आप क्या करेंगे HC के साथ इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे B इज इक्वल्स टू 10.25 इंटू H इंटू C, तो यहाँ पे 10.25 इंटू 6.625 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स था ना ये, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, ये सिर्फ जूल में, तो इसको जो कैलकुलेट मैंने किया हुआ है तो याद है मुझे 203.749 इंटू 10^-24 ये जूल में आ गया आपका, लेकिन ये जूल में आया चाहिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब, इसके साथ इसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे आप 749 इंटू 10^-24 अपॉन 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब, ये क्या है आपका जूल में, जूल अपॉन कूलम्ब है, तो आपका क्या आएगा 126.34 इंटू 10^-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
तो आपका ये वाला आंसर आ गया। भाई चेक कर लेना, मैंने खुद से निकाल के देखा था आपको करवाने से पहले, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप देख लेना, ठीक है? आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, मेरा तो इतना आया था, आपका कितना आया तो मुझे बता देना, ठीक है? तो ये चीज़ आ गई, समझ में आ गया। सेकेंड है गीगाहर्ट्ज़ में निकालना है, तो अभी देखो जूल में हमने निकाला था ये, जूल से हमने इसको डिवाइड करा, जब डिवाइड करा जूल अपॉन कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास आ गया है, ठीक है? अब हम निकालेंगे सेकंड वाला, जो सेकंड है हमारे पास रोटेशन कांस्टेंट गीगाहर्ट्ज़ में निकालनी है, तो गीगाहर्ट्ज़ में निकालने के लिए ये जो जूल में आया था इसको ही उठाएंगे, 203.749 × 10⁻²⁴ जूल, ठीक है? जूल हम क्या करेंगे इसको, हम इसको एच के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 6.626 × 10⁻³⁴, ठीक है? 34 जूल सेकंड, जूल के साथ जूल कैंसिल, सेकंड क्या जाएगा, सेकंड इनवर्स में, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा, तो बी क्या जाएगा आपके पास, 3.749 × 10⁻¹० सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स क्या होता है हमारे पास, हर्ट्स, ठीक है? हर्ट्स 1 GHz 10⁻¹ हर्ट्स के बराबर होता है, ठीक है? तो एक हर्ट्स क्या आ गई आपके पास, 1/10⁻¹ GHz, ठीक है? ये आ गई, तो ये सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हर्ट्स, इसको हर्ट्स लिख सकते हैं, तो हमने ये निकला, तो हर्ट्स के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1/10⁻¹ GHz, तो इसको डिवाइड करेंगे 749 × 10⁻¹० अपॉन 10⁻¹ है, 10⁻¹ इन, ये क्या था, GHz था, हाँ ठीक है, गीगा हर्ट्स, तो इसके साथ तो ये कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, तो 3. इसका आएगा 327 क्यों आएगा, एक बारी रुको, ठीक है? बस इसको आप क्या करोगे, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करने कर लेना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो गीगाहर्ट्ज़ में मैंने आपको निकाल के बता दिया कि कैसे आपको निकालना। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले जूल आया था, जूल को मैंने डिवाइड करा 1.6 × 10⁻¹⁹ करा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब हमें चाहिए गीगाहर्ट्ज में सेकंड वाला, तो हमने जूल वाला ही उठाया, उसको डिवाइड कर दिया हमने एच के साथ, ये डिवाइड करा तो जूल के साथ जूल कैंसिल, सेकंड इनवर्स बन जाएगा ऊपर जाके, सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज लिख सकते हैं, हमारे पास 1 GHz 10⁻¹ हर्ट्ज के बराबर होता है, तो एक हर्ट्ज किसके बराबर होगा, 1/10⁻¹ GHz, तो इसके जगह पे हमने ये लिखा, ये कैंसिल होगा, एक हमारे पास पावर बच जाएगी, एक 10 बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका गीगाहर्ट्ज में आ जाएगा, ठीक है? सॉरी ये दो हो चुके हैं, हम निकालते हैं, हमारे पास जो लास्ट है वो थर्ड है, वो करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो आप ये वाला उतार लीजिए पहले, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। तो अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ बैंड सेंटर, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आपको नहीं याद तो भाई वीडियो पीछे करके देखो मैंने बताया क्या था, आपको याद में आ जाएगा, ठीक है? तो आपको पोजीशन ऑफ बैंड सेंटर तो कैसे निकालेंगे, जो भी पोजीशन आर नॉट की दी है, P1 की दी है, दोनों को ऐड करके बाय 2 करेंगे, ठीक है? आई होप आपको याद भी आया होगा, थोड़ा ना फास्ट कैलकुलेशन किया करो मेरी थोड़ी सी, एक मिनट क्या है ये, हाँ 5 है, मैं कन्फ्यूज हो गई, ठीक है? 2.865.1 cm इनवर्स, तो हमारे पास ये आएगा, इन दोनों का ऐड करके आपका लगभग इसके बराबर आ जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं पूछी है तो आप सेंटीमीटर इनवर्स में इसको छोड़ के आ जाओगे, ठीक है? अगर पूछी हो तो चेंज कर लेना, बाकी इसका तो ऐसे निकलेगा, रोटेशनल कांस्टेंट्स को आपको बहुत घुमाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ सकते हैं, गीगाहर्ट्ज में, सेंटीमीटर इनवर्स में दिखवा सकते हैं, पता नहीं क्या कुछ पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको यूनिट कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी, तो मैं आपके एक इसकी वीडियो बना दूंगी यूनिट कन्वर्जन की, कि आपको कैसे करना है, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूनिट कन्वर्जन से हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, तो
इसलिए वो नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। पहले हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।